पांचवा विशेष हिंद चैप्टर नंबर 1 यातायात भाग 6 हम लोग पांचवा बराबर। तो आपने आगे लेक्चर में आपने टिकट विषय में माहिती मेळवी हती बराबर। हवे पेज नंबर तुम्हारे काढो 38 पेज नंबर 38 काढो बेटा बराबर। एमा हमने चित्र देखा छे चित्र देखा छे ने एमा हमने चित्र आपेला छे ने पूछे के सवारी में टिकट लगता है या पैसे लगते है और ये इंजन की जरूरत है हाँ या ना ना के उसके इंजन की जरूरत है हाँ या ना ना के। देखो पहले चित्र है पहला चित्र है हमारा हेलीकॉप्टर का बराबर। तो उसमें क्या आपने सवारी की है तो आपके अनुभव के अनुसार लिखना है कि की है या नहीं की है की होगी तो हाँ या ना कुछ भी इस बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। आगे के बॉक्स में आप अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पे लिखना है आपने सवारी की होगी तो जो की है था तो की है तो हाँ नहीं की है तो ना ऐसे बॉक्स में लिखना है। पहले बॉक्स में अपने आप आपको अनुभव के अनुसार लिखना है। दूसरा बॉक्स देखो उसमें लिखा है सवारी करने के लिए टिकट लगेगा या पैसा। तो हेलीकॉप्टर की सवारी करने में टिकट लगेगा बराबर और इसमें इंजन इंजन की जरूरत पड़ेगी ईंधन की जरूरत पड़ेगी तो हाँ। और दूसरा चित्र है बस उसमें टिकट लगेगा और इसके उसमें भी ईंधन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये आपका प्रश्न है 16 और बराबर और तीसरा है घोड़ा गाड़ी तांगा तांगा में पैसे लगते हैं और उसमें ईंधन की कोई जरूरत होती नहीं है। और नंबर 4 पर है स्कूटर उसमें टिकट भी नहीं लगता पैसे भी नहीं लगते और उसमें हाँ ईंधन की जरूरत होती है। अब है नाव बराबर तो उसमें टिकट लगता है और ईंधन की भी जरूरत होती है बराबर। जहाज जहाज उसमें भी ईंधन की जरूरत होती है। अब उसके भी आगे का चित्र है रेलगाड़ी में पैसे लगते हैं बराबर टिकट पे भी लगता है पैसे भी लेते हैं हम यहाँ पे पैसा लगता है ऐसे लिखा है और उसमें भी ईंधन की जरूरत होती है बराबर। तो इसमें आएगा आपका टिकट बराबर टिकट और इसमें आएगा रेल की टिकट में आएगा टिकट भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे बराबर। तो इसमें भी हमको ईंधन की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें मोटर कार में हमको पैसा लगेगा तो पैसे लगेंगे उसमें भी हमको ईंधन की जरूरत पड़ेगी। और रिक्शा में भी हमको पैसा लगेगा लेकिन कोई जरूरत नहीं तो उसमें भी हमको ईंधन की रिक्शा को भी ईंधन की जरूरत है। इस तरह से हमने प्रश्न 16 किया है पूरा 17 प्रश्न भी आए हैं जोड़ बनानी है बराबर। तो गुलाब का गुलाब आएगा गुलाब बॉक्स में लिखना है डी। कमल का फूल आएगा डी। करण आएगा ई। गलगोटा गलगोटो सी और सूरजमुखी का है ए। तो हिंदी हिंदी और गुजराती गुजराती अक्षरों के सामने हिंदी अक्षरों की जोड़ हमको बनानी है और बॉक्स में लिखनी है। चलो उसके बाद है हमारा गुड़हल गुड़हल में आएगा सी। उसके बाद आएगा ई। लिली में सदाबहार में डी। मोगरे में बी और भतूरे में ए आएगा। इस तरह हमने कोष्टक खुला लिया है। अब उसके बाद का पेज नंबर है 39 बराबर। उसमें भी चित्र दिए गए हैं उस फूलों के चित्र के नाम गुजराती और हिंदी दोनों में लिखने हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 39 नंबर पेज पेज नंबर 39 पे गुलाब गुजराती में गुलाब सूरजमुखी सूरजमुखी पनीर कोरेड
गुड़हल जासूद धतूरा धतूरो बराबर आवी रीते तमारे पण लखवानो छे अने एना पछी छे प्रश्न जो फूलों के नामों की सूचि बनावी फूलों के नामों की सूचि बनावी ए रहा आपका 18 प्रश्न 19 प्रश्न नंबर है इसमें गुलाब सूरजमुखी गुड़हल कमल मेला मोगरा बारामासी कनेर लीली आदि फूल है फूलों के नाम की सूचि में और 21 नंबर का प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है आपने बगीचे में कौन कौन से फूल देखे हैं वो अपने अनुसार लिखने हैं आप कौन कौन से फूल बगीचे में देखते हैं वो आगे 20 प्रश्न का जवाब आपको लिखना है समझ में आया और 21 नंबर आपने बगीचे में कौन कौन से पेड़ देखे हैं फूल और पेड़ों के नाम 20 और 21 प्रश्न का जवाब आपको लिखना है अपने हाथों से बराबर आपके अनुभव अनुसार और अब आएंगे हम 22 प्रश्न नंबर पे फूल किस किस रंग के होते हैं अब हमने फूल देखे हैं फूल किस किस रंग के होते हैं फूल सफेद लाल पीले केसरी गुलाबी आदि विविध रंगों के होते हैं बराबर फूल अलग अलग रंग के होते हैं 23वां प्रश्न देखो आपको कौन सा फूल ज्यादा पसंद है आपको जो फूल अच्छा लगता हो जो पसंद हो उसका नाम आपको अपने हाथों से लिखना है 23वां प्रश्न अपने हाथों से लिखना है 20 21 और 23 प्रश्नों के जवाब आपको अपने हाथों से अनुभव अनुसार लिखना है और ये है आपका 25वां सवाल के 24वां देखो सवाल आपको उसका जवाब और सवाल दोनों से दिए है पहला 25वां सवाल देखो 24वां है फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है फूल बहुत उपयोगी होते हैं फूलों का उपयोग विविध जगह होता है उनको कहाँ है मंदिर में देवी देवताओं की पूजा कर पूजा में होता है माला बनाने में होता है फिर किसमें होता है फिर स्त्रिया की वेणी बनाकर श्रृंगार में उपयोगी है सजावट के लिए भी उसका उपयोग होता है पुष्प गुच्छ बनाने में भी उसका उपयोग होता है इस तरह फूल का उपयोग परीक्षा में आएगा एग्जाम में आएगा फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से याद करके रखना अब प्रश्न नंबर 25 पेड़ों के पत्तों का रंग कैसा होता है पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है बराबर नीलो रंग के मावे हरा हरा होता है अब हम आएंगे अपने जोर पे गुजराती नाम के सामने हिंदी नाम लिखो स्कूटर हेलीकॉप्टर कार मोटरसाइकिल बस जहाज उठगाड़ और घोड़ा अब पीछे पेज नंबर 40 निकालो इसपे लिखा है मोगरा गेंदा रिक्शा हवाई जहाज बैलगाड़ी गुड़हल साइकिल रेल स्टीमर और बराबर ये सब हमने आज लिखा है तो आज हमने क्या लिखा आज हमने लिखा है कि हम कौन कौन से वाहन वाहन में मुसाफरी करेंगे टिकट लगेगा या पैसा लगेगा और आगे का आपको अपने अनुभव अनुसार लिखना है आपने जो बैठे हो तो उसमें आपको हाँ उसका हाँ लिखना है बैठे हो तो ना लिखना है फिर हमने जोड़ बनाए प्रश्न के जवाब बनाए प्रश्न नंबर 20 21 और 23 अपने हाथों से आप अनुभव अनुसार आपको लिखना है तो आज हमने इतना पढ़ा है तो याद करना प्रश्न के जवाब याद करना नेक्स्ट डे में भी रहेंगे और चैप्टर नंबर यही रहेगा यातायात और हम भाग 6 में ले निकलेंगे उसमें 100 पति में जो पेज बाकी वो पूरे करेंगे आज के लिए इतना ही कल फिर से मिलेंगे।